हाय गाइस, इस उमा, वेलकम टू मेरी चैनल। आज मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि बॉयलर पोशाक बहुत ही रिसेंट है, तो एक जस्ट मेकअप वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। टिकटॉक में भी मैं रेडी होती हूँ कभी कभार, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि टिकटॉक में भी मैं कैसे रेडी होती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा मैं मेकअप ज़्यादा करूँगी, मैं टिकटॉक पर इतना कुछ नहीं करती हूँ। बॉयलर पोशाक लुक है तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करूँगी। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उमा ब्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। मैंने मेरे फेस पे प्राइमर लगा लिया है। मैं लैक्मी का ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ किया है। फिर मैं एज अ फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगी अ लॉरियल इनफॉलिबल प्रो मैट फाउंडेशन। इसके साथ मैं गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेशियल ऑयल थोड़ा सा मिला लूँगी, 2 ड्रॉप्स ऑफ मैं मिलाती हूँ। मेरी जो शेड है ये नेचुरल बेज है। मेरे डार्क सर्कल पे मैं यही फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ये फाउंडेशन हाई टू मीडियम कवरेज देता है, तो मैं कॉन्सीलर अब यूज़ नहीं करूँगी। तो मेरे अंडर आई पे, आईलिड पे, हर जगह पे मैं यही फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, लॉरियल इनफॉलिबल प्रो मैट वन। ये मैट फाउंडेशन है, मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं हाथों से ही ब्लेंड करूँगी अच्छे से। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। मैं यहाँ पे एयर स्पून का लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई पे, आईलिड पे, मैं पूरी फेस पे भी एयर स्पून का लूज़ पाउडर ही अप्लाई करूँगी। ये मेरी सबसे फेवरेट लूज़ पाउडर है और बहुत ही अच्छा इसका फिनिश है। मैं आई शेडो के लिए यहाँ पे रेवोल्यूशन का फ्लॉलेस 4 पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन शेड है वही मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पर। आई शेडो में ज़्यादा मैं कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। सेम कलर मैं अंडर आई पे भी अप्लाई करूँगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आईलाइनर मैं यहाँ पर लाइका का विंग इनर ब्लिंग आईलाइनर पेन यूज़ कर रही हूँ। इस आईलाइनर पेन की 2 साइड है, एक साइड से आप ऐसे आईलाइनर लगा सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, और एक साइड पे आप विंग बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। फिर मैं मस्कारा मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ वन है। मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। मैं पूरी आईज़ पे काजल नहीं लगाती हूँ, मैं हाफ़ काजल लगाती हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लम का काजल मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा काजल है, जल्दी से स्मज नहीं होता है, स्टेइंग पावर इसका बहुत अच्छा है। एज अ हाईलाइटर यहाँ पे मेबेलिन का मास्टर क्रोम मेटालिक हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये शेड है मोल्टन रोज गोल्ड। इसकी जो भी हाईलाइटेड एरिया है हर जगह पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक हाईलाइटर है, मुझे बहुत दिन से पसंद था तो मैंने इसे रिसेंटली ही परचेज़ किया है। लिपस्टिक मैं यहाँ पर मैक का रूबी हू अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पे प्लम का ग्रेप सीड फेशियल मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। ये है मेरी फाइनल लुक। एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, मैं आँखों के ऊपर एज आई शेडो एक गोल्डन शिमरी शेड भी यूज़ किया है, वो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से ही गोल्डन शिमरी शेड लिया है। बस ये है लुक, और ऐसी मैं जनरली तैयार होती हूँ टिकटॉक के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे 1 लाइक ज़रूर दीजिए। आगे चल के और भी अच्छे अच्छे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए।